आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल फैमिली ब्लॉग। तो आज का हमारा सफ़र जो है वापसी का शुरू हो चुका है। टाइम हो चुका है 5:45 का। 5 बजे हम घर से निकले थे, हल्का सा सूरज निकला है और हल्का सा बादल भी है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत प्यारा है। तो वापस जा रहे हैं हम, रास्ते में कहीं जगह पर नाश्ता भी करेंगे। तो चलते हैं अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर करेंगे सबसे पहले नाश्ता। रायता, हलीम, चना और नान। तो करेंगे सबसे पहले नाश्ता और नाश्ता करने के बाद जाएंगे फिर से आगे। ये वो होटल है छोटा सा, काफ़ी देर से हम देखते आ रहे थे तो हमें कुछ जगह नहीं मिल रही थी अंदर सेपरेट बैठने के लिए। तो यहाँ पर भाई के पास अंदर जगह थी बैठने के लिए, तो यहाँ पर हमने ब्रेक लगाई और नाश्ता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर में हम पहुँच चुके हैं। आकाश भाई हमसे पहले पहुँच गया 1 घंटा। वो देखें तो आकर सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे अपने मुर्गियों को। एक मुर्गी जो वो शहजादा ही बोल रहे थे, एक ये मुर्गा हमारे पास, एक ये मुर्गी है, एक ये मुर्गी है, एक ये पट्टा हमारे घर का पला हुआ, ये भी घर की है, वो भी घर का, ये हमने ख़रीदा था। तो एक जो मुर्गी थी जो मर गई है वो भी हमने खरीदी थी, वो बहुत अच्छी मुर्गी थी, काले रंग की थी। तो इधर कुछ चूज़े हैं, ये आकाश भाई का कमरा है, चूज़ों आधा आकाश भाई का आधा चूज़ों का। एक ये मुर्गा हमारे पास, लाइट चली गई है ना, नहीं लाइट भी चली गई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये ना जब हम पहले गए थे 9 दिन बाद हम वापस आए हैं, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा ना फ़र्क पड़ गया, बड़े हो गए हैं। ये भी बड़े हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मुर्गी है, ये दोनों मुर्गे हैं, जो वाइट है वो मुर्गी है, जो ब्राउन ब्लैक है वो मुर्गे हैं। और इनका पता नहीं अभी ये मुर्गी कौन सी और मुर्गे कौन से हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बड़े हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। एक ये हमारे पास मुर्गा है, ये बहुत अच्छा मुर्गा है, इसका लड़ाई में बहुत तेज़ है, इसका सांस जो है वो बहुत पक्का है, जल्दी थकता नहीं है। इसको बांध के इसलिए रखा है कि अगर बांधे ना तो ये मुर्गा, ये वाला मुर्गा और ये वाला मुर्गा, ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और लड़ के अगर हम ना पास होंगे तो ये लड़ के एक दूसरे को मार देंगे। इन दोनों में से एक जो है वो मर जाएगा। तो ये जो मुर्गा है पट्ठा, ये अभी किसी के साथ नहीं लगता, 10 महीने का ये पट्ठा है, ये वाला, ये अभी किसी के साथ नहीं लगता, डरता बहुत ज़्यादा डरता। ये काली मुर्गी जड़ी यासिन को खरीदी थी ना, जड़ी यासिन को लेगी, वो मर गई बेचारी। वो बहुत अच्छी मुर्गी थी, काले रंग की थी और अच्छी नस्ल की थी, कद भी ठीक था उसका, पता नहीं क्या वजह बनी बेचारी मर गई। ये है जी हमारा छत, ये देखें यहाँ पर हम शाम को छोड़ते हैं चूजे, कुछ उधर और कुछ इधर। ये साथ मेरे ताया जान का घर है, सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि घर जल्दी पहुंच गए। 8 बजे, 8 बजे हम घर पहुंच गए हैं, 8:15 बजे लाइट चली गई है, 15 मिनट हुए हैं अभी घर पहुंचे, तो 8:15 बजे लाइट चली गई है। तो देखते हैं 9:15 बजे आती है या पहले आ जाती है। मौसम जो है ठंडा है और ठंडे ठंडे हम घर पहुंच गए हैं, अभी सारा दिन है, थोड़ी देर सोएंगे लाइट आने के बाद, सोने के बाद नींद पूरी करने के बाद फिर देखते हैं आज के घर में कौन कौन सा काम है, फिर उस हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे। लाइट जो है फिर से आ गई है, अभी चलते हैं नीचे। पट्ठा भी मसा सोना आया था, खराब हो गया था, इनू चूजे हो गए, कश सही कहता है माशा उचे देना शामू हाँ शामू होते ना उचे उचे एना फर्क पेदा छोटिया घट पेदा एना फर्क सही पेदा है उचे ला ना जी ए छोटे छोटे ने ये जी तकरीबन 2.5 महीने के हैं और ये 1.5 महीने के हैं 1 महीने का फर्क है दोनों का ये जो है ये इनसे 1 महीना बड़े हैं ये भी
वो जो मुर्गा बाहर है हमारा काला, उसके बच्चे हैं और ये भी उसी के बच्चे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितने दिन लंबी इसकी गर्दन है। असल असीर की जो निशानी है वो यही है कि इसकी गर्दन जो है बहुत ऊंची होती है। ये देखिए, ये देखिए, की पाया ना जेड़े रजे दे ना रजे पोटे भी सही फुल ना दे की पांदा शताब लाने पाया है। चोल तो कच्चे ही ना दे, ये देखें कच्चे चावल, इसमें बाजरा है। ये देखिए जी, ये जब हमने लिया था तो छठ कच्ची, ये बिल्कुल साफ था आगे से सीना इसका, लेकिन अभी जो है थोड़े थोड़े इसके बाल जो आना शुरू हो गए हैं। वो भाई जिससे लिया था वो कह रहा था कि इसके साथ जो मुर्गी छोड़ी है ना वो इसके जो छोटे छोटे जो बाल हैं ये खाती थी, तो उसी ने सारा इसका जो सीना वो नंगा कर दिया था बाल खा खा कर। तो अभी इसके जो बाल हैं वो आ रहे हैं, बाल आने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। कद भी ठीक है इसका माशाल्लाह। ये है जी आकाश भाई का कमरा, पंखा वहाँ पर आकाश भाई टेक लगा कर बैठते हैं, रंग उतार दिया। ये LCD है, वो कंप्यूटर है, ये स्पीकर है, हो चुका दो का और सौ के मोटे आ गया हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये मैकेनिक है, इसके पास बैठा हूँ आकर पाइप का थोड़ा सा ना इसी था वो रिपेयर करवाने आया हूँ। इसके अलावा मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया था, एक डेटा केबल जो शादी पर गुम हो गई थी तो वो लेने के जा रहा हूँ। तो रास्ते में भाई के पास बैठ गया, ये दुकान है घर के पास ही है, तो इसके पास थोड़ी देर बैठ कर जाएँगे। एक और दोस्त के पास वहाँ से लाएँगे चार्जर और डेटा केबल। चार्जर मेरे मोबाइल का, डेटा केबल जो है वो है OPPO F3 की, ओप्पो की जो आम नॉर्मल चलती है सबके लिए। ये मेरे मोबाइल को लगती है सी टाइप, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे मोबाइल को सी टाइप लगती है, वो जो नॉर्मल चलती है वो दूसरे मोबाइल के लिए चाहिए। तो दोनों चीज़ें लेके आएंगे। नाखून मेरे ये देखिए नाखून बढ़ गए हैं और मैंने भी अभी देखा है, ये देखिए बड़े हो गए हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चार्जर और केबल लेने, वो थोड़ा सा फासले पर है, रास्ता भी थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि पास नहीं है, वो थोड़ा सा फासले पर 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाऊँगा। दोस्त है, चीज़ ये नहीं कि सस्ती मिल जाएगी, चीज़ ये है कि अच्छी मिल जाएगी उससे, इन दुकानदारों से लोकल चीज़ मिलेगी उससे मुझे अच्छी मिल जाएगी, या शायद लोकल ही मिले लेकिन उससे अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि वो जो भी चीज़ देगा वो अच्छी क्वालिटी की देगा। जाने का मकसद ये है, ये आपको शक्ल से कहीं चाचा लगता, फिर भी पूरे मोहल्ले के जो लड़के हैं इसको चाचा बोलते हैं, मैं भी चाचा ही बोलता हूँ। शुरू से जब से दुकान की है भाई ने तकरीबन 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए हैं इसको हमारे मोहल्ले में दुकान की हुई। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, शादी से काफ़ी देर पहले की दुकान इन्होंने की हुई है, और तभी से ये मेरे दोस्त हैं। मेरी शादी पर भी आए थे, मेरी बारात के साथ भी गए थे, तो सब प्यार से इनको चाचा बोलते हैं। तो मैं फारिग टाइम इन्हीं के पास ज़्यादा बैठता हूँ, बाहर कम बैठता हूँ, इन्हीं के पास ज़्यादा बैठता हूँ। ये देखिए ये वाला रास्ता है जहाँ हम बोल रहे कच्चा रास्ता है, तो ये देखें बाहर की तरफ है, आगे आपको दरख्त और खेत भी नज़र आ रहे होंगे। खेत तो नज़र नहीं आ रहे दीवार की वजह से, लेकिन दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्त के पास थोड़े से खेत हैं, यहाँ पर हमारे कभी फ्लावर हुआ करते थे खेत में, जो अभी नहीं है। ये दीवारें पहले नहीं हुआ करती थी, इसके अंदर भी खेत ही है, ये भी हैं और ये भी है। ये दीवारें पता नहीं क्यों कर दी इन्होंने, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। आगे इस दीवार के उस साइड पर एक फ्लावर का खेत है, बाग है, खेत बोल लें या बाग बोल लें वो आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद पहुंचने के बाद। वो देखिए गुलाब के पौधे और गेंदे के फूल। इधर ही है जी, है जी वो भाई, ये है वो शॉप
अस्सलामु अलैकुम अजीम साहब जी, अभी मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, खाली हाथ जा रहा हूँ। वो भाई कह रहा ना मेरे पास डॉक्टर अच्छा चार्जर है तार वाला, वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए डॉक्टर। तो केबल जो है वो मिल गई है, वो मैंने जेब में डाल दी है, तो ले ली है। और भाई की जो वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, जो बनाई हुई है वो भी काट दूँगा, क्योंकि भाई बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद है कोई मेरी वीडियो जो है अपलोड करे, गुस्से से नहीं प्यार से, क्योंकि दोस्त नहीं। मैं फिर सो गया था आकर, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी घर वालों ने उठा ला, मगरब की जान जो है हो रही थी, तो मैं आया हूँ छत पर। ये छोटी हुई फ्रेंड भाई ने, फ्रेंड भाई ने दोनों ने सेव कर दिए बंद। इसके अलावा ये हमारा बड़ा मुर्गा, और इसके अलावा एक मुर्गी हमारी मर गई थी परसों। ये सारी रात अभी इधर रहेगा, सारी रात इस टाइम से बंधा होता है, सारी की सारी रात इधर बंधा रहेगा, ताकि आपस में ये लड़े ना, ये वाला और बड़ा मुर्गा। ज़्यादा जो दिन का हिस्सा है वो मैंने सोकर गुजारा है, तो इसी वजह से वीडियो आज बनेगी थोड़ी छोटी। बादल जो है वो हो रहे हैं, और हवा जो है वो ठंडी ठंडी चल रही है, वो मेरे वाल साहब है अबू जान। तो शाम जो हो चुकी है, कल रात को हम सोए थे गुजरांवाला में, तो रात को दो सवा दो ढाई बजे थोड़ी सी हल्की सी बारिश शुरू हुई थी, हल्की सी आई थी, हम नीचे आ गए थे उठकर, उसके बाद बारिश भी ख़त्म हो गई थी। आज बादल यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर छत पर सोएंगे, हवा जो है बहुत ही मज़ेदार चल रही है हवा, यानी कि गर्मी रात को पंखा लगाने के बगैर ही सो जाएंगे, तो गर्मी जो है नहीं लगेगी। अभी चलते हैं नीचे, आपको जाकर चार्जर दिखाता हूँ जो मैं चार्जर लेकर आया हूँ। अच्छा फास्ट चार्जर है वो मैं लेकर आया था। ओप्पो वालों का तो ये मैं लेकर आया 300 रुपये का चार्जर, लेकिन अच्छा चार्जर है, स्पीड अच्छी है इसकी, सही तरीके से चार्ज करता है। आ रहा हूँ फिल्टर का पानी लेने गर्म के लिए। जी फिल्टर का पानी गर्म के लिए, ये घर के पास ही लगा है, और घर का पानी अगर अरम पिएगा तो पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको फिल्टर का पानी में ला कर देता हूँ। ये एक बोतल लीटर वाली, इसका वो सारा दिन कल का गुजर जाएगा। अभी चलते हैं जी घर को वापस, लाइट जो है फिर से चली गई है, अभी आएगी 9:15 बजे, 8:15 बजे गई है, 9:15 बजे तक आ जाएगी। शुक्र है हवा चल रही है, छत पर सोने का मज़ा आएगा।